सिम्टम कफ कोल्ड फीवर का था। उसके अलावा एक दिन के बाद ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे गले में खराश आ रही है और अंदर एक तूफान सा चल रहा है कोविड का, जिसे इन्फेक्शन बोलते हैं, चेस्ट में उस तरह का एहसास होना शुरू हुआ। कोविड 19 से मौतें कम हो रही हैं, ठीक उसी तरह से जैसे सांप के काटने से बहुत कम लोगों की मौत होती है, और सिर्फ सांप ने बाइट कर लिया बॉडी पे, उस भय से लोगों की मौत हो जाती है बिना विष के। कोविड 19 बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे ही अटैक होता है सर्दी खांसी का और टेस्टलेस होने का, फीवर का, शरीर में अकड़न जकड़न का या और गले में खराश का, इन्फेक्शन का, तो लोग समझ जाते हैं कि अब मैं कोविड 19 पॉजिटिव हो चुका हूँ, अब मेरी जान नहीं बचेगी। इस सोच को सबसे पहले आप सभी निकाल लें। राजनगर के रामपट्टी में जो कोविड केयर सेंटर है, ये GNM इंस्टीट्यूट की बहुत ही सुसज्जित बिल्डिंग में है, ये यहाँ पर तीन बिल्डिंग है, उस तीनों बिल्डिंग में ये इसका संचालन समय के अनुसार किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था मैंने पिछले साल भी देखी थी, उस व्यवस्थाओं की छाप मेरे ऊपर सदैव रही है। और एक तरफ हम देखते हैं कि दिल्ली और पटना की स्थिति बहुत ही, कोविड के मामले में बहुत ही पैनिक है, बहुत कष्टदायी है, बहुत ही बहुत बुरी स्थिति है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोविड केयर सेंटर रामपट्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ आप भरोसे के साथ आ सकते हैं, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बहुत हद तक बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ का। यहाँ की जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, GNMs हैं, ANMs हैं ऑन ड्यूटी, दे आर वेरी पीपल फ्रेंडली, वो काफ़ी कॉपरेट करते हैं, कोई ऐसा व्यवहार ऐसा नहीं करते जो किसी का दुख दर्द बढ़ जाए, कोशिश ये रहती है कि उनका दुख दर्द कमे, और ये भरोसा मुझे था यहाँ की व्यवस्था पर, इसलिए मैं यहाँ स्वयं अपने साहस के साथ, मैं स्वयं अकेला बाइक स्टार्ट करके मैं यहाँ आकर के अपने आप को यहाँ पे आइसोलेट कर लिया। कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया तो मेरे मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं उत्पन्न हुई कि मैं कोविड का पेशेंट हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे एक से दो दिन पहले लगने लगा था कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मेरा टेस्ट जो है वो समाप्त हो गया, कुछ अलग सा लग रहा है। तो संबंधी ने बताया कि आप पाउडर निकालिए, मैंने पाउडर निकाला, उन्होंने कहा कि आप उसको टेस्ट करिए, सुनिए, मैंने सुना, लेकिन मुझे सुगंध नहीं आया कुछ, तो वो भी बताया कि आप पक्का पॉजिटिव हो गए हैं, तो मैं भी मान लिया, और मुझे कोई चेहरे पर कोई भी ये टेंशन का भाव नहीं आया कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए जब से कोविड 19 का जो सिलसिला दौर शुरू हुआ है, प्रशासन के साथ साथ हर एक कदम मिला के कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमने काम करने का कोशिश किया है, चाहे वो हाट हो या भीड़ भारी कोई जगह हो जहां प्रशासन की गाड़ियां पहुंचती थी, वहां हमारी गाड़ी भी खड़ी होती थी। और सभी मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि डरना नहीं है, सामना करना है। निश्चित तौर पर हम लोग अगर तैयार रहेंगे मजबूती के साथ तो कोरोना हारेगा और हम लोग जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ, और मैं आपको बताया था कि कोरोना से जंग मैंने कैसे लड़ी, उस पूरी कहानी को मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये जो कोरोना संक्रमण का जो शिकार हुआ, मेरे घर में मैं तीन भाई हूँ और बड़े भाई दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको कोविड टेस्ट कराया उन्होंने, तो उनको कोविड ये पॉजिटिव हुए। उसके बाद हमारे सारे घर में ये पारिवारिक टेस्ट हुआ, जिसमें महिलाएं बिल्कुल निगेटिव हुई और हम तीनों भाई पॉजिटिव हुए। तो दो भाई हम यहाँ चले आए रामपट्टी कोविड केयर सेंटर, यहाँ आइसोलेट हुए, और जो भी हमें 10 दिन का जो
परिस्थिति रही उस सारी परिस्थिति से आपको अवगत कराएंगे। और दूसरा हमारे हमसे बड़े भाई जो दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं राजेश कुमार सराफ जी, वो घर पर भी आइसोलेशन में रहे। तो हम अभी आपको दैनिक जागरण के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद कुमार सराफ जी, उनसे पूरी बात जो वो कोरोना को हराने में जो सफल हुए हैं, हम पूरी बात से आपको अवगत कराते हैं। समाज से भी हमारे बड़े भाई प्रमोद कुमार सराफ जी हमारे सामने में हैं और हम उनसे बात करके बताते हैं कि वो कोरोना से जंग जीतने में कैसे कामयाब हुए। भैया आप कोरोना से जंग जीतने में कैसे कामयाब हुए उस पर बताइए। 12-13 दिन पहले की बात है और कफ कोल्ड फीवर का एहसास हुआ। जैसे ही कफ कोल्ड फीवर का एहसास हुआ, मैंने अपने फैमिली डॉक्टर और हमारे गार्जियन की तरह रहने वाले जयानंद प्रसाद गुप्ता जी से और उन्हीं के माध्यम से डॉक्टर आर के दास जी, जो बहुत ही अच्छे फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे संपर्क साधा और उनकी सलाह पे दवा लेना प्रारंभ किया। सिम्टम कफ कोल्ड फीवर का था। उसके अलावा एक दिन के बाद ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे गले में खराश आ रही है और अंदर एक तूफान सा चल रहा है कोविड का, जिसे इन्फेक्शन बोलते हैं, चेस्ट में उस तरह का एहसास होना शुरू हुआ। ये बातें मैंने तत्काल किसी से शेयर नहीं किया और मैंने अपने मन में ये बात रख करके दूसरे ही दिन मैंने राजनगर CHC के लैब टेक्नीशियन मोहम्मद इस्मतुल्लाह गुलाब जी से संपर्क साधा और उनकी सहायता से उन्होंने मेरा रैपिड एंटीजन किट से कोविड टेस्ट किया। मैं पॉजिटिव आया और पॉजिटिव जिस दिन आया उसी रात्रि को। पॉजिटिव आने के बाद आप घबराए भी? कुछ नहीं, मैं जानता था कि मैं पॉजिटिव तो हो ही चुका हूँ, ये एहसास मुझे हो ही चुका था और मैं आइसोलेटेड था अपने कमरे में। मेरे कमरे में कोई नहीं जाते थे दो दिनों से। मैं समझ रहा था कि मैं COVID-19 पॉजिटिव हो चुका हूँ, लेकिन कन्फर्मेशन जब तक नहीं मिलता है तो उसमें कोविड की जो कुछ खास दवाइयाँ होती हैं वो नहीं छोड़ी जाती। तो उसमें दयानंद जी की भी और डॉक्टर आर के दास जी की भी राय आई कि कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए। मैंने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया। मैंने देन एंड देयर निर्णय लिया कि मुझे कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में एडमिट हो जाना चाहिए और मैं कुछ खास जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लेकर के अपनी बाइक स्टार्ट किया और अकेले आकर के यहाँ पे मैं एडमिट हो गया। और इसके साथ ही मैं यहाँ आने के बाद मैंने राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक महेश कुमार जी और लैब टेक्नीशियन मोहम्मद इस्मतुल्लाह गुलाब जी से आग्रह किया कि आप हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं उनका आप फॉलोअप टेस्ट जरूर करवा दें आप कल, ताकि उससे पता चल सके कि हमारे घर में आइसोलेटेड होने के कारण कोई संक्रमित तो नहीं हुए। और नेक्स्ट डे जब फॉलोअप टेस्ट हुआ हमारे परिवार के 6 सदस्यों का, जिसमें 3 महिलाएं थी और 3 पुरुष थे, तो मैं तो यहाँ आ ही चुका था। 2 हमारे भाई थे, हमारे अनुज राजेश जी और बलराम जी, ये दोनों पॉजिटिव पाए गए और घर की 3 महिलाएं जिनका टेस्ट हुआ वो निगेटिव पाई गई। उसके बाद बलराम जी भी चले आए यहाँ कोविड केयर सेंटर में, चूँकि इन्हें भी सिम्टम आ चुका था। इनके अंदर ये सिम्टम था कि इनका टेस्ट लॉस हो चुका था और शरीर में काफ़ी दर्द अकड़न बहुत अधिक थी और खांसी और सर्दी की का भी लक्षण दिखने लगा था। तो मैंने उन्हें भी कहा आप यहाँ आ जाएं, वो आ गए। और राजेश जी जो हमारे मंझले भाई हैं, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं था, वो एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे। तो इसलिए उन्होंने घर पे रहना अपना निर्णय किया घर पे रहने का। वो आज भी उसी तरह से फिट है। मैं
मैंने कभी इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि मैं कोविड 19 पॉजिटिव हो चुका हूँ और ऐसा नहीं कि अब मैं बचूंगा नहीं। पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हमने इसका मुकाबला किया है। और यहाँ आने के बाद मैं संक्षिप्त में अपनी बात रख देना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद और घर पर मैंने जो जो प्रिकॉशंस लिए ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दवा से ज़्यादा कारगर नेचुरोपैथी है इसमें। दवा अपनी जगह काम करता है, दवा तो दी ही जाती है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम करता है, जब कोविड 19 कोई पॉजिटिव होते हैं तो उनके नाक और श्वास की नली में इन्फेक्शन होना शुरू होता है। जो इन्फेक्शन अगर तुरंत उसका इलाज नहीं किया गया तो सीने तक फैलता है और फेफड़ों को संक्रमित करके वो चौक कर देता है, जिससे वो SpO2 लेवल अर्थात ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है और उस व्यक्ति की दैनंदिन मौत हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से वेपोराइजेशन शुरू किया, जिसको बोलते हैं भाप लेना। तो भाप, आप गर्म पानी का भाप भी ले सकते हैं, ऊपर से गमछा डाल करके वो लिया गया। और उसमें अगर कार्बोल प्लस अगर डाल देते हैं, जो विक्स का एक छोटा सा एक ये विक्स टाइप का बना होता है, विक्स टाइप का एलिमेंट होता है जो उसमें डाला जाता है, जिससे बहुत राहत महसूस होती है। तो वो वेपोराइजेशन मैंने 3 बार किया। 15-15 मिनट की ये साधना थी, जो बहुत कष्टदायक साधना थी। जब आप कोविड 19 पॉजिटिव होते हैं और इन्फेक्शन आपके गले में होता है, सीने में होता है, तो आपके अंदर की वो ताकत मर जाती है कि आप 1-2 बार से ज़्यादा सांस नहीं ले पाते। लेकिन फिर भी मैंने एक पूरी हिम्मत के साथ वेपोराइजेशन लेना शुरू किया और 15-15 मिनट तक बहुत कष्ट के साथ भी वो सांस लेता रहा, छोड़ता रहा। और जिसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जब मुझे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि हम और हमारा स्वास्थ्य सकारात्मक दिशा में जा रहा है। दूसरी बात, गार्गलिंग मैंने शुरू की, गर्म पानी का जो गलारा बोलते हैं या गरारा बोलते हैं, वो लेना शुरू किया। उससे भी बहुत राहत मिली वो गले के इन्फेक्शन को दूर करने में। उसके साथ साथ यहाँ पे जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत शाम में काढ़ा दिया जाए, वो काढ़ा भी लगातार उसका सेवन हमने किया। रात्रि में मैं हल्दी और दूध का भी सेवन मैंने करना शुरू किया और लगभग प्रतिदिन इसका सेवन किया। और दवाएं जो दी जाती थी, उन दवाओं का अपना प्रभाव था। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, ये सारी चीज़ें बहुत कारगर हैं कोविड 19 में। सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंदर की ताकत को मजबूत करना, कोविड 19 से मौतें कम हो रही हैं, ठीक उसी तरह से जैसे सांप के काटने से बहुत कम लोगों की मौत होती है। और सिर्फ सांप ने बाइट कर लिया बॉडी पे, उस भय से लोगों की मौत हो जाती है बिना विष के। कोविड 19 बिल्कुल उसी तरह से है। जैसे ही अटैक होता है सर्दी खांसी का और टेस्टलेस होने का, फीवर का, शरीर में अकरन जकरन का या और गले में खराश का, इन्फेक्शन का, तो लोग समझ जाते हैं कि अब मैं कोविड 19 पॉजिटिव हो चुका हूं, अब मेरी जान नहीं बचेगी। इस सोच को सबसे पहले आप सभी निकाल लें। सिर्फ बचाव और अपने आंतरिक ताकत को मजबूत रखना, शरीर की अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको मजबूत रखने से ही कोरोना संक्रमण पर विजय पाया जा सकता है। दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर आपने अपने आप को, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विल पावर को कमज़ोर कर लिया, तो दुनिया की कोई दवाई आपको की जान नहीं बचा सकती। आप तभी बचेंगे जब ये समझेंगे कि ये कोविड 19 बहुत छोटी चीज़ है और हम भगवान ने, ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर ऐसा मजबूत एंटीबॉडी सिस्टम दिया है कि हम सप्ताह 10 दिन बीतते हम जो उपाय कर सकते हैं ज़िंदगी की जंग जीतने का, वो करेंगे। और निश्चित रूप से हम स्वयं ही नहीं जीतेंगे बल्कि हमारे परिवार के हर सदस्य कोविड 19 की जंग जीतेंगे। हमारे समाज का, राष्ट्र का, हर व्यक्ति की जीत उस पर सुनिश्चित होगी।
इसलिए मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को यदि COVID-19 का, कोरोना का कोई भी संक्रमण का किसी भी प्रकार का लक्षण दिखे, इसे छिपाएं नहीं, अपने आप की मजबूती रखें। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आप COVID-19 पॉजिटिव हो गए, आप कोरोना संक्रमित हो गए, इसमें आपकी कौन सी गलती है या ये छिपाकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं। अगर इस बीमारी को, अगर इस संक्रमण को आप छुपाते हैं तो आप अपने परिवार, बाल बच्चे, अपने भाई बंधु, अपने समाज सभी का हित करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप कोविड पॉजिटिव हुए तो क्यों निर्णय लिए कि होम आइसोलेशन में नहीं रह के हम कोविड केयर सेंटर जाएं? सबसे पहली बात होती है कि जब तक आप पॉजिटिव नहीं पाए जाते हैं, कहीं किसी भी कोविड सेंटर पर नॉर्मली आपका एडमिशन नहीं होता है। उसके लिए COVID-19 पॉजिटिव का एक जांच या तो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है या RT-PCR टेस्ट होता है। तो RT-PCR टेस्ट में रिपोर्ट आने में तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं अमूमन, तब तक संक्रमण का स्तर बढ़ जाता है जब तक वो रिपोर्ट आता है। तो इस मामले में रैपिड एंटीजन टेस्ट रामबाण है, जो तुरंत व्यक्ति को के माइंड सेट को एक तरफ ले जाता है कि आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। अगर पॉजिटिव हो गए तो क्या दिक्कत है, आप सीधा निर्णय कर रहे हैं कि और कोविड केयर सेंटर रामपट्टी आकर के मैं आप एडमिट हो जाएं। मैंने इसलिए निर्णय लिया कि जब पॉजिटिव हो गए तो मुझे कोई हक नहीं है कि अपने परिवार में रह करके इस संक्रमण को फैलाना। हम सभी पढ़े लिखे लोग जो समाज में जो जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि स्वयं को भी बचाएं और दूसरे को भी, अपने परिवार समाज को भी हम COVID-19 से बचाने की कोशिश करें। हम इसे छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना छिपाएंगे उतना ही नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने निर्णय किया कि जब मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ तो मुझे अपना घर छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, राजनगर के रामपट्टी में जो कोविड केयर सेंटर है, ये GNM इंस्टीट्यूट की बहुत ही सुसज्जित बिल्डिंग में है। ये यहाँ पर 3 बिल्डिंग है, उस तीनों बिल्डिंग में ये इसका संचालन समय के अनुसार किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था मैंने पिछले साल भी देखी थी, उस व्यवस्थाओं की छाप मेरे ऊपर सदैव रही है। और एक तरफ हम देखते हैं कि दिल्ली और पटना की स्थिति बहुत ही कोविड के मामले में बहुत ही पैनिक है, बहुत कष्टदायी है, बहुत बुरी स्थिति है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोविड केयर सेंटर रामपट्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ आप भरोसे के साथ आ सकते हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बहुत हद तक बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ का। यहाँ की जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, GNMs हैं, ANMs हैं ऑन ड्यूटी, दे आर वेरी पीपल फ्रेंडली, वो काफ़ी कॉपरेट करते हैं, कोई ऐसा व्यवहार ऐसा नहीं करते जो किसी का दुख दर्द बढ़ जाए। कोशिश ये रहती है कि उनका दुख दर्द कमे, और ये भरोसा मुझे था यहाँ की व्यवस्था पर। इसलिए मैं यहाँ स्वयं अपने साहस के साथ, मैं स्वयं अकेला बाइक स्टार्ट करके मैं यहाँ आकर के अपने आप को यहाँ पे आइसोलेट कर लिया। और यहाँ एडमिट होने के 3-4 दिनों के बाद से ही जो साधना मैंने की है, प्राकृतिक चिकित्सा की साधना हो या दवाएं जो यहाँ दी गई, उन दवाओं का सेवन हुआ, जो यहाँ पे सुबह और शाम वाइटल्स चेक किए जाते हैं प्रत्येक पेशेंट के। वाइटल्स का मतलब ये होता है कि संबंधित कोरोना संक्रमित के ऑक्सीजन का लेवल का पता लगाना सुबह और शाम, उनके बॉडी के टेम्परेचर का मेजर करना, मेजरमेंट लेना, और उस उनका जो अपना पल्स रेट है शरीर का, उसकी उसमें मापी की जाती है सुबह शाम, जिससे उनकी परिस्थिति का पता चलता है कि इनके शरीर में कितना इन्फेक्शन का लेवल बढ़ा और घटा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इक्विपमेंट लगे हुए हैं। थोड़ा सा भी अगर कोई मरीज़ क्रिटिकल होता है, मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर कोई मरीज़ अगर क्रिटिकल होता है तो उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है। अगर उससे भी ज़्यादा परेशानी उनकी बढ़ती है, ईश्वर न करे, तो यहाँ वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है।
और अन्य जो भी जीवन उपयोगी उपकरण हैं वहाँ यहाँ पे उपलब्ध किए गए हैं, लगाए गए हैं। मतलब ये कि अगर आपने अपने अंदर की ताकत को मजबूत कर लिया और जज्बे के साथ आप अगर यहाँ पर एडमिट होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कोरोना पे विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आप स्वस्थ और प्रसन्नचित होकर अपने घर जाएंगे और सत्य आपका मनोबल ऊंचा रहे, बना रहे, आप कभी घबराए नहीं। एक संदेश में देना चाहता हूँ, मैंने कई मरीजों को देखा है, जैसे लगता रहता है कि उनके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैंने कितनों को समझाया भी है कि आपका चेहरे का इम्प्रेशन ऐसा क्यों, इतना सीरियस क्यों है, कुछ भी नहीं होगा, जो परेशानी आपकी है मेरी भी है, मैं भी झेल रहा हूँ, आप हंसिए मुस्कराइए और जो जो जतन कहा गया है बताया गया वो सब कीजिए, आप निश्चित तौर पर स्वस्थ होकर जाएंगे। और यहाँ से स्वस्थ होकर जाने वालों की एक बड़ी संख्या है, इसलिए मैं आज KR न्यूज़ के माध्यम से ये संदेश आप सबों तक भेजना चाहता हूँ कि मधुबनी ज़िले में अगर, वैसे तो अनुमंडल स्तर पर भी कोविड केयर सेंटर हैं और सरकार के निर्देश भी आ रहे हैं कि और भी बहुत सेंटरों का निर्माण होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा अगर आप कर सकते हैं तो कोविड केयर सेंटर रामपट्टी पे कर सकते हैं और यहाँ पर बेहिचक कोई परेशानी हो यहाँ पे आकर के एडमिट हो जाएं, आप जिंदगी की जंग हंसते हंसते जीतकर अपने घर लौट सकेंगे। निश्चित तौर पर अगर आप और हम जागरूक रहेंगे तो कोरोना हारेगा, हम सभी जीतेंगे, हम देशवासी जीतेंगे, ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आज कि आप ये ना समझें कि अगर एक बार मैं पॉजिटिव होकर के निगेटिव हो गया तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता है, कोरोना कभी भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए अभी जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है वो वैक्सीन कोरोना का आप जरूर लें। मैं भी यहाँ से लौटूंगा तो कोरोना का वैक्सीन मैं लूँगा सपरिवार जा कर के। वो वैक्सीन लेने से 75-80% बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको स्ट्रांग करता है, जिससे कोरोना जल्दी आपके शरीर के पास फटक नहीं सकेगा। इसलिए कोई परेशानी फील करते हैं तो सबसे पहले कोविड का टेस्ट कराएं, अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में एडमिट हो जाएं, यहाँ से स्वस्थ होकर लौटें तो आप कोरोना का टीका अवश्य लें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसका भी प्रयोग बहुत आवश्यक है, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बड़े बड़े समारोहों में जाने से अपने आप को निश्चित रूप से रोक लें, और जान है तो जहान है। थैंक यू सो मच KR न्यूज़, धन्यवाद आपको भी, आपने हमारे तमाम दर्शकों को कोरोना से जंग जीतने का पूरी तरह से राह बतलाया। इसके लिए आप चूँकि सामाजिक क्षेत्र में एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी लंबा जीवन जिया है और आपका अनुभव है, मैं आपके साथ जो समय बिताया हूँ और मैं देखा हूँ कि यहाँ अपने कष्ट से तो आप परेशान हैं, लड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ सोसाइटी के लोग जो आते हैं जो यहाँ ये भर्ती होने के लिए, उनको कैसे भर्ती हो, उनको कौन सा बेड मिले, क्या उनको सुविधा मिले, क्या दवा मिला कि नहीं मिला, मैं दवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सारी बात आप उनसे जाके मिलके खुद टेंशन लेके आपने झेला है, मैं देखा हूँ। और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप सक्षम होते हैं तभी आपसे किसी की अपेक्षा होती है समाज में, समाज के लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति उस लायक हैं, प्रमोद सराब उस लायक है, तभी आपसे अपेक्षा करते हैं। तो उसमें ऐसे समय में, ऐसे मुसीबत के समय में, ऐसे जानलेवा संक्रामक बीमारी से लड़ने के समय में अगर किसी के काम आ सकूं तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है, और इससे मुझे आत्मिक संतुष्टि और बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होती है और लगता है कि कुछ अच्छा करने का मौका मिला। एक बार पुनः KR न्यूज़ को हृदय से धन्यवाद, नमस्कार। जब कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया तो मेरे मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं उत्पन्न हुई कि मैं कोविड का पेशेंट हो चुका हूँ, चूँकि मुझे 1 से 2 दिन पहले लगने लगा था कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मेरा टेस्ट जो है वो समाप्त हो गया, कुछ अलग सा लग रहा है, तो मैं अपने रूम में आके आइसोलेट हो गया। और एक हमारे संबंधी ने बताया कि आप पाउडर निकालिए, मैंने पाउडर निकाला, उन्होंने कहा कि आप उसको टेस्ट करिए, सुनिए,
मैंने सुना लेकिन मुझे सुगंध नहीं आया कुछ, तो वो भी बताया कि आप पक्का पॉजिटिव हो गए हैं, तो मैं भी मान लिया और मुझे कोई चेहरे पर कोई भी ये टेंशन का भाव नहीं आया कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। चूँकि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए जब से COVID-19 का जो सिलसिला दौर शुरू हुआ है, प्रशासन के साथ साथ हर एक कदम मिला के कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमने काम करने का कोशिश किया है, चाहे वो हाट हो या भीड़ भारी कोई जगह हो जहाँ प्रशासन की गाड़ियाँ पहुँचती थी वहाँ हमारी गाड़ी भी खड़ी होती थी, आप लोग देखे होंगे के चैनल के माध्यम से। तो मैं शॉर्ट ज़्यादा बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, शॉर्ट में यही अपने मित्रों शुभचिंतकों एवं केआर न्यूज़ के तमाम दर्शकों को यह बताता हूँ कि आप या आपके कोई भी संबंधी अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम का पॉजिटिव है, बाकी शरीर में जो भी कोई परेशानी उत्पन्न होती है उसका दवा लें और ये गर्म पानी का वाष्प ये गर्म पानी से गरारा करें, साथ ही काढ़ा का सेवन करें और भाप लें, उसमें एक कैप्सूल आता है जो मेडिसिन दुकान पर उपलब्ध होता है, पानी में दे के उसको ढक के और उसका भाप 15 से 20 मिनट पर लेंगे तो उससे फेफड़ा का ज़्यादा एक्सरसाइज होता है, वो मैंने काफ़ी किया है और काफ़ी हद तक हमारी जो स्थिति थी बहुत ख़राब थी ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, चूँकि रात भर नींद नहीं आना, कई लक्षण हैं इसके, रात भर नींद नहीं आना, बुखार, परेशानी, टेस्टलेस हो जाना और दूसरे जगह पर रह के खाना का टेस्ट नहीं, कभी एक रोटी कभी डेढ़ रोटी, कभी खाना कभी नहीं खाना, कभी पानी पी के सो जाना, उस पर से एक्सरसाइज करना अनुलोम विलोम सारा कुछ करने के बाद हम ये कोविड केयर सेंटर में अपने आप को इस महामारी से इससे हम बाहर निकले और सभी मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि डरना नहीं है, सामना करना है, निश्चित तौर पर हम लोग अगर तैयार रहेंगे मजबूती के साथ तो कोरोना हारेगा और हम लोग जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा। हाँ, एक एक व्यक्ति ये ज़रूर जान लें कि अगर ज़रूरत हो ज़रूरत के मुताबिक ही बाज़ार जाएं, कोई साग सब्जी लाना हो, किराना संबंधी आइटम लाना हो तो आप डेली अगर जाते हैं तो एक बार एक सप्ताह का आइटम ले आएंगे तो अब भी वहाँ पर आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में आपके परिवार में जो महिलाएं घर में कैद है और उनकी क्या गलती है जो आप बाहर से टहल के आते हैं और आपके द्वारा वो पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए निश्चित तौर पर ज़रूरत हो तो बाहर जाएं, ना ज़रूरत हो तो परिवार बाल बच्चों के साथ घर में रहें और घर में ही ऐसा माहौल पैदा करें कि बच्चों को मनोरंजन लायक सामान मिले, बच्चा उससे कुछ सीखे। और मैं ज़्यादा क्या बतलाऊँ, ये निश्चित तौर पर हमारा ये निवेदन था कि हमने जो बिताया है उससे आपको सारी बातों से हम रूबरू करवाएं, हमने रूबरू करवाने की कोशिश किया, आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हमारा अच्छा लगे संबोधन, इसमें हमने अपने बड़े भाई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका भी वर्जन जो उन्होंने बिताया है अब वो क्यों घर पे नहीं बिताए, क्यों कोविड केयर सेंटर पहुँचे, सारी बातों में मैं आपको बताने का कोशिश ये दिखाने की कोशिश किया हूँ और आपने देखा है। तो फिर हम मिलते हैं अगले खबर के लिए, तब तक हमको दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।